हमेशा स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे खूबसूरत एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के बारे में। जी हाँ, वैसे तो शिल्पा शेट्टी लगातार सुर्खियों में बनी ही रहती है। अभी कुछ टाइम पहले वो राजकुंद्रा की वजह से एक बार सुर्खियों में बनी थी, लेकिन अभी लेटेस्ट ही वो सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि शमिता शेट्टी जल्दी शादी करने वाली है, तो अपनी बहन की खुशियों को लेकर वो इस वक्त सुर्खियों में बनी हुई है। लेकिन हम आज उनके कुछ ऐसे अनसुने किस्सों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसको सुन के आप लोग हैरान हो जाएंगे और शायद आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे कि क्या शिल्पा शेट्टी ने अपनी जिंदगी में इतना दर्द भी सहा है। जी हाँ, बता दें कि जब शिल्पा शेट्टी का स्ट्रगल का टाइम था, उन्होंने बॉलीवुड को ज्वाइन ही किया था, तब उनकी मुलाकात अक्षय कुमार से हुई थी और अक्षय कुमार को देखते ही वो अपना दिल दे बैठी थी। यहाँ तक कि अक्षय कुमार को भी शिल्पा शेट्टी बहुत ज्यादा पसंद थी। बता दें कि धड़कन फिल्म तो आपको याद ही होगी कि आज के समय में भी अगर धड़कन मूवी आ जाए तो हर कोई देखने के लिए बैठ ही जाता है। तो ये बात उसी समय की है जब शिल्पा और अक्षय के बीच में करीबियां बढ़ने लगी थी, लेकिन एक साइड में अक्षय की जिंदगी में ट्विंकल खन्ना भी आ चुकी थी और वो ट्विंकल खन्ना से शादी करना चाहते थे। इवन शादी करने के साथ साथ वो डेट कर रहे थे शिल्पा शेट्टी को, और शिल्पा शेट्टी को जब ये बात मालूम हुई तो वो काफी ज्यादा टूट चुकी थी। उसके बाद शिल्पा को मालूम हुआ था कि आखिरकार अक्षय कुमार सिर्फ एक या दो को ही नहीं, यहाँ पर 6-7 लड़कियों को एक साथ डेट कर रहे हैं। और ये बात आपस में सभी को मालूम चली तो सभी लोग अक्षय कुमार पर भड़क गए, लेकिन अक्षय कुमार का सच्चा प्यार तो ट्विंकल खन्ना ही थी, इसलिए उन्होंने शादी उन्हीं के साथ रचाई। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि आखिरकार अक्षय कुमार के साथ रह के शिल्पा शेट्टी ने अपनी जिंदगी में क्या गवाया है और क्या नहीं, किस दर्द से गुजरी है इनकी जिंदगी, तो इस रिपोर्ट में आप बने रहिएगा। बता दें कि बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी अपने हुस्न और अदाओं के दम पर लाखों करोड़ों दिलों पर राज करती है। फिल्मों और डांस के अलावा फिटनेस के मामले में भी शिल्पा शेट्टी किसी से कम नहीं है। आज भी उन्होंने अपने आप को इस तरह मेंटेन करके रखा है कि वे नई अभिनेत्रियों को भी पानी पिला दे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अलावा शिल्पा शेट्टी की पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रहती है। शिल्पा शेट्टी ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। 90 के दशक में उन्होंने बड़े पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की और एक के बाद एक कई सफल फिल्में बॉलीवुड को दी। शिल्पा शेट्टी आज राज कुंद्रा की पत्नी है और एक सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है, मगर इसके अलावा उनके बॉलीवुड में भी काफी अफेयर रहे। अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी की अधूरी प्रेम कहानी तो जग जाहिर है। बीच आउन उस समय इस जोड़े ने काफ़ी सुर्खियां बटोरी थी। इनके चर्चे के हिंदुस्तान की गली गली में होने लगे थे। अक्षय और शिल्पा अपने प्यार में हर हद को पार कर गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि शिल्पा शेट्टी ने महज 22 साल की उम्र में अपना कुंवारापन खो दिया था। यह दौर 90 का दौर था जब अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी दोनों ही बॉलीवुड के उभरते सुपरस्टार माने जाते थे। यही वजह है कि जब इनके अफेयर की खबर बाहर आई तो इसने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। शिल्पा शेट्टी जब लंदन का टीवी शो बिग ब्रदर कर रही थी, उस दौरान उन्होंने अक्षय कुमार के साथ रिलेशन को लेकर काफ़ी राज खोले थे। उन्होंने इसी शो में हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया था कि उन्होंने महज 22 साल की उम्र में अपना कुंवारापन अक्षय कुमार के साथ खो दिया था। कहा जाता है कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी एक दूसरे से पहले ही मुलाकात में इम्प्रेस हो गए थे। इसकी शुरुआत हुई थी फिल्म में अनाड़े तू खिलाड़ी के सेट पर। इस फिल्म की शूटिंग के वक्त दोनों की पहली मुलाकात हुई थी। 1997 में आई जानवर फिल्म में फिर इन दोनों की जोड़ी सामने आई थी। इसी फिल्म के दौरान दोनों में नज़दीक के हद से ज़्यादा बढ़ने लगे। फिर क्या था, प्यार छुपता नहीं छुपाने से इन दोनों के लव स्टोरी के साथ ही यही हुआ। इन दोनों की प्रेम कहानी अक्सर अखबार में छपने लगी। इस दौरान यह खबर भी आई थी कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी शादी तक कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उस दौरान यह बात भी सामने आ रही थी कि अक्षय ने अपने खास दोस्त को यह भी बताया था कि शिल्पा पर्दे पर जितनी सीधी सादी और मासूम दिखती है, पेट पर वो उतनी ही एक्टिव हो जाती है। हालांकि दोनों के इतने आपसी प्रेम के बावजूद भी लव अफेयर कुछ ज़्यादा समय टिक नहीं पाया और जल्दी ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। कहा जाता है कि राजेश खन्ना की बेटी ट्विंकल खन्ना उन दिनों अक्षय कुमार का बेहद नज़दीक आ चुकी थी। यही वजह है कि अक्षय कुमार और शिल्पा शेट्टी का ब्रेकअप हो गया। साल 2001 में अक्षय कुमार ने ट्विंकल खन्ना से शादी कर ली, तो वही शिल्पा शेट्टी ने भी 2009 में बिजनेसमैन राज कुंद्रा के साथ फेरे ले लिए। वही
आपने सुना ही ये चीज कि शिल्पा शेट्टी कितनी ज्यादा दर्द से गुजरी है और उन्होंने सच्ची मोहब्बत की थी अक्षय कुमार से, लेकिन जब अक्षय कुमार से लगातार धोखे मिलने लगे तो उसके बाद इन्होंने सारी चीजों की उम्मीद छोड़ दी और कुछ सालों बाद राज कुंद्रा से शादी कर ली। और राज कुंद्रा से शादी आज तक निभाती हुई नजर आ रही है क्योंकि वो राज कुंद्रा से बहुत प्यार करती है। अब आपको ये अनसुना किस्सा जो अक्षय कुमार का और शिल्पा शेट्टी का है सुन के कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़।